सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। संकष्टी चतुर्थी व्रत आज है। महिलाएं व्रत रखेंगी, चांद को देखकर अर्घ देंगी। चंद्रोदय कब होगा आपके शहर में, आपके राज्य में, ये इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि पहले ही बता दी है। तो शनिवार को आज चंद्रोदय का समय क्या है, 11 मार्च को चांद कब निकलेगा, संकष्टी चतुर्थी का व्रत का पारण महिलाएं कैसे करेंगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पूर्णिमा दिवस के चौथे दिन संकटहरा चतुर्थी मनाई जाती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश के कई भक्त संकष्टी चतुर्थी का उपवास करते हैं और चंद्रमा के उदय के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। तो आज चांद कब निकलेगा, आप चंद्रोदय का समय आप अपने शहर अपने राज्य के हिसाब से देख सकते हैं। मुंबई में 10:18 पर चांद निकलेगा, दिल्ली में 10:13 पर, इंदौर में 10:11 पर, भागलपुर में 9:28 पर, गया में 9:35 पर, इसी प्रकार से आप कानपुर का देख सकते हैं 9:57 पर, चेन्नई में 9:41 पर। कुछ कुछ शहरों का मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने शहर का इसमें देख सकते हैं। वाराणसी में 9:44 पर चांद निकलेगा, वहीं पटना में 9:36 पर, हरिद्वार में 10:11 पर, आगरा में 10:08 पर, बरेली में 10:04 पर, लखनऊ में 9:55 पर चांद निकल जाएगा, जब महिलाएं चांद को देखकर व्रत अपना पारण करेंगी। अहमदाबाद में 10:25 पर, अमृतसर में 10:27 पर, गांधीनगर में 10:24 पर चांद निकलेगा। ये एक सही समय बताया जा रहा है, ज्योतिष विद्या में ज्योतिषचार्यों द्वारा पहले से ही ऑलरेडी जानकारी दी गई है, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सूरत में 10:26 पर और वडोदरा में 10:25 पर चांद निकलेगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत को बहुत ही ज्यादा महिलाएं व्रत रखती हैं और चांद को देखकर अपना व्रत का पारण करती हैं। वैसे आप किस जिले के हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी आपके राज्य की जानकारी दी जा सके। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत में चांद निकलने का टाइम मैंने आपको बता दिया है, आप अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी आपके राज्य की जानकारी हम चांद कब निकलेगा इसको बता पाए। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।